हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज हम आपके पास लेके आए इनोवा का ड्रायर मशीन। तो दोस्तों, इसको करेंगे ठीक, जिसका मॉडल है 5000 वाट का है दोस्तों, ये NV9105। तो दोस्तों, ये जो कि चल नहीं रहा है दोस्तों, इसको खोल लेंगे आज, देखेंगे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। तो आपको सारी वीडियो कम्प्लीट बना के दिखाएंगे दोस्तों कि इसको हम कैसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ये है, पीछे को घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसके लॉक का जो अलग हो जाते हैं, इसको फिर पीछे खींच लेंगे, खुल जाएगा बिल्कुल आराम से दोस्तों। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये चल तो रहा नहीं है दोस्तों, ना ये हिट कर रहा है ना ये हवा दे रहा है दोस्तों। तो इसके पीछे देखिए दोस्तों, जो जो इसका हैंडल होता है पकड़ने वाला, इसके नीचे दो नट आई, इन दोनों नटों को खोलेंगे दोस्तों। और तो कोई नट दिख नहीं रहा, तो इन दोनों को नटों को खोल के देखते हैं ये आगे कैसे खुलेगा। तो इसको फटाफट खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, तब तक नट खोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूँ, ताकि आप चीज़ों को घर पर भी ठीक कर सके दोस्तों खोल के। तो इसको देखिए, इसके नट है, दोनों नटों को खोल लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि उनको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों, और ताकि वो भी वीडियो को देख सके। तो अब इसके हमने नट खोल लिया दोस्तों, अब इसको देखते हैं यहाँ से खोल के, क्योंकि यहाँ पे ही दिख रहा है ये खुलने के लिए। तो इसको ओपनर की मदद से खोल के देखेंगे दोस्तों, ओपनर से ये कैसे खुल सकता है। तो ओपनर डालेंगे इसके अंदर, ओपनर से हम खोलते जाएंगे इसके धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से तो खुल रहा है थोड़ा, लेकिन ऊपर शायद इसके लॉक हैं, काफ़ी हार्ड है वो, जिस कारण ये खुल नहीं पा रहा है। तो लॉकों को देखेंगे इसकी, देखते हैं खोल के इसको कैसे खुल पाता है ये दोस्तों, काफ़ी हार्ड लगा हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए, हमने इसकी ये वाली निकाल दी है। तो देख रहे थे कि भाई इसके नीचे कुछ है तो नहीं है दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ से बस खुल सकता है ये आराम से। ओपनर डाल के ये ऐसे लगा हुआ था इसके अंदर, तो अपने इसमें ओपनर डाला, ओपनर डालने के बाद इसको बाहर खींचा, तो ये बाहर आराम से निकल आया दोस्तों। तो ऐसे खींच कर इसको निकाला, तो ऐसे निकल आया ये। तो अब इसको आगे देखते हैं खोल के कैसे आगे खुलता है ये। तो यहाँ पर ओपनर डाल लेंगे, और इधर इसका एक लॉक होता है दोस्तों, देखिए यहाँ से इसको दबाएंगे, ओपनर से आराम से बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा हल्का सा दोस्तों, फिर बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा ये। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉक यहाँ से खुल चुका है, अब थोड़ा सा और ऊपर से ऐसे धीरे धीरे करके, जो दोस्तों सारी लाइनों पे जैसे कि ये लगी हुई है यहाँ पे, इन पे ओपनर डालते रहेंगे और इसको हल्का हल्का खोलते रहेंगे दोस्तों, तो लॉक अपने आप ही बाहर आ जाएंगे इसके, बिल्कुल ये आराम से खुल जाएगा यहाँ से। तो इसको खोल लेते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से थोड़ा सा खुल चुका है, और इसको खींच के भी अलग कर सकते हैं, या खींचने से टूट भी सकता है दोस्तों, इस करके थोड़ा देखें, ध्यान से खोलना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों। तो अगर ना खुले तो फिर दोबारा ओपनर की मदद लेंगे, ऊपर से भी थोड़ा इसको ऐसे खोलेंगे, देखिए ये बिल्कुल खुल चुका है। तो अब इसके अंदर देखिए पंखा लगा हुआ है दोस्तों, जिससे ये हवा होती है पैदा, और इसमें ये देखिए जो हमने खोला, इसमें लॉक दिए गए हैं जो इसके अंदर अटके हुए थे, जिस कारण ये खुल नहीं रहा था। तो अब देखते हैं इसको आगे खोल के, इसके जो बटन वगैरह हैं ये तो ठीक ही लग रहे हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए दो नट दिए गए हैं मोटर के नीचे, यहाँ पे ये मोटर होगी इसके दोस्तों, ये पंखा है इसका। तो इन नटों को खोल लेंगे यहाँ से, नटों को खोल के बाहर निकाल के देखते हैं, ये बाहर आराम से आ जाएगा। फिर नट खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इन नटों को भी खोल लेते हैं यहाँ से, देखिए तो नट, एक नट इधर है, एक नट दूसरी साइड है, इन दोनों नटों को खोल लेंगे यहाँ से। तो फटाफट खोलते हैं दोस्तों नट को। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी तक, क्योंकि ये चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ पहले ही वीडियो है शायद इस चैनल पे ड्रायर की। वैसे मैंने ड्रायर काफ़ी ठीक किए हैं अलग अलग तरह के, पर शायद चैनल पे आज तक वीडियो नहीं डाली थी कोई भी ड्रायर ठीक करने की। तो अब ये आया था हमारे पास, सोचा था इसकी वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं आपको, क्योंकि ड्रायर तकरीबन घरों में होते ही हैं दोस्तों, तो इसलिए हमने सोचा इसकी वीडियो बनाएँ। इसमें देखते हैं खोल के क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं गर्म हो रहा है और क्यों नहीं हवा दे रहा है। जो कि ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार है, ये बाहर आ चुका है हमारा, ये एलिमेंट हो गया दोस्तों इसका, और ये पीछे मोटर के साथ ये जुड़ा हुआ है कुछ। इसको देखते हैं बिल्कुल अलग करके, ये अलग कर दिया हमने इसकी बॉडी को, बिल्कुल अंदर का जो सामान था सारा हमने अलग कर लिया, और बॉडी थी जो इसकी वो अलग करके रख दी है। तो अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों, जो कि इसकी तारे तो यहाँ से तो ठीक लग रही है दोस्तों, ना कुछ सड़ा हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं आगे चेक करके, इसमें चेक करेंगे तभी पता लगेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर मोटर की तारे वगैरह भी सही लगी हुई है, कोई भी तार उखड़ी हुई नहीं है दोस्तों, ना कोई चीज़ सड़ी हुई है। देखते हैं आगे और क्या दिक्कत मिल सकती है, जो कि ये भी घूम रहा है दोस्तों, तो बटन भी इसके ठीक लग रहे हैं हमें। तो इन तारों को ही चेक करते हैं एक बार, जो कि ये तार दी गई है मेन तार है, इस तारों को देख लेंगे, शायद इसमें भी कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये आगे से कुछ जली टाइप हुई है,
शायद स्पार्किंग होगी होगी, इसके कारण ये जल भी सकती है दोस्तों। तो एक बार तार को चेक कर लेंगे इसको मल्टीमीटर से कि कंटिन्यूटी हमारी आ रही या नहीं आ रही है दोनों तारों पे। अगर दोनों तारों पे आ रही होगी फिर इसके अंदर और कोई दिक्कत होगी तो वो चेक कर लेंगे, अगर तार में दिक्कत होगी तो कोई फिर चेक करेंगे। तो जैसे कि हम एक सिरे से जैसे इसको एक सिरे पे मल्टीमीटर की तार लगाएंगे और दूसरे सिरे पे तार लगाएंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आएगी। तो जो कि देखिए इस वाले पोर्शन पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो दूसरे वाले इस पे पिन पे देखते हैं लगा के। तो यहाँ पे देखिए कुछ वोल्टेज दिखा रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों जो कि हमारी एक इस पे बीप की आवाज़ आ रही है आपको दिखी गया जो कि एक पे बीप की आवाज़ आ रही है और दूसरे वाले सिरे पे कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। तो इसको देखेंगे हम खोल के, देखते हैं तार को इसको कहाँ से क्रैक हो सकती है या कहाँ से जली होगी, देखते हैं बीच में से कहीं से टूटी होगी। तो देखिए दोस्तों जो ये इसके ऊपर ये कवर आया हुआ था यहाँ से ये तार है यहाँ से ये जली हुई है, देखिए जो कवर था यहाँ से जली हुई है। तो इसको एक बार देखते हैं काट के, इसमें शायद एक ही तार है जो जली हुई है इस कारण इसमें सही तरह से बीप की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अब इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, कट करके ही पता लगेगा कितनी तार जली हुई है कितनी नहीं जली हुई है। तो देखिए हमने इसको कट कर लिया है यहाँ से थोड़ा सा, तो अब दिख रहा है जैसे कि एक तार जली हुई है और एक तार ठीक है। तो इसको पूरी को कट कर लेंगे ताकि हमें अच्छी तरह इसको छील के चेक कर सकें कि बाकी तार ठीक है कि नहीं ठीक है। तो दिख रहा है जैसे कि आपको इसमें अब एक तार जली हुई है यहाँ पे देखिए, तो एक नीचे वाली वायर है ब्लू कलर की वो ठीक है लेकिन ऊपर वाली जली हुई है। तो इसको पूरी को अलग कर लेते हैं, काट के अलग करके चेक करेंगे इसको अच्छी तरह भाई, इसको तार को छील के हम अच्छी तरह चेक करेंगे मीटर से कि दोनों में फिर कंटिन्यूटी हमारी सही आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर कंटिन्यूटी सही होगी तो इसी तार को लगा देंगे, नहीं दोस्तों अगर नई तार लगाएंगे तो इसको फटाफट छील लेते हैं दोस्तों, छील के दिखाते हैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके। तो देखिए हमने छील लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इनको वैसे ही छील लिया फटाफट वीडियो को स्टॉप करके। तो अब इसको ऐसे ही एक सिरे पर यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे पर चेक करेंगे दोस्तों, देखिए इस पर आ रही है एक आवाज़ पर आ रही है, दूसरे वाली तार पर लगा के चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस पर भी आ रही है, तो दोनों ये हमारी ठीक हो चुकी है तारें। अब इन तारों को या तो यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे फिर टेप की मदद से इसको लगा लेंगे, या इसको सीधा क्या करेंगे इसको तार ही देंगे दोस्तों, क्योंकि छोटा सा हिस्सा तो है इसको अलग ही कर देंगे। जोड़ लगाएंगे तो देख जोड़ लगाने से क्या होगा कि दोबारा तार का पक्का मजबूती से नहीं बनती दोस्तों, फिर वो टूटने का चांस रहता है। तो इस करके हम क्या करेंगे यहाँ से इसको टांके हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं इन दो तारों को, इनको यहाँ से उतार के सीधा डायरेक्ट ये हिस्सा है जो हमने काटा है यहाँ से तो इसको लगा लेंगे यहाँ पे। तो फटाफट दोस्तों इसको उतार लेते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे उतारेंगे और कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो लगाते हैं इसको फटाफट, उतार लेते हैं पहले इसको। तो देखिए जो कि काफ़ी हार्ड लगा हुआ, जो कि हमारा काबिया छोटा है टांके बड़े हैं इस करके थोड़ा लेट उतरता है दोस्तों। तो हमने इसके तार को टूटे हिस्से को उतार लिया, अब ये डायरेक्ट है देखिए यहाँ से इन दोनों को लगा लेंगे, थोड़ा और हमें छीलना पड़ेगा दोस्तों ताकि तार लंबी कर सके। तो हमने छील लिया इसको, अब इसके टांकों को लगा लेंगे फटाफट, देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं, एक तार को यहाँ पे लगाएंगे एक तार को दूसरी साइड लगाएंगे। तो लगा के फटाफट चेक करके दिखाएंगे आपको ये चल रहा है नहीं चल रहा है। तो पहले एक बार इस पर टांके लगा लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने जो कि इस पर लगा लिए हैं, अब इसको तार को लगाते हैं प्लग में, वहाँ पर देखते हैं इसको लगा के बिजली में कि ये चलेगा नहीं चलेगा दोस्तों। तो देखिए लगा लेते हैं तार को फटाफट। तो चलते ही दोस्तों लाइक जरूर कर दें जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, जो भी वीडियो देख रहा है दोस्तों। तो इसको देखिए ये चल चुका है यहाँ से, हमने तार लगाई तो पंखा घूमने लगा है दोस्तों, और ये आगे से लाल भी होने लगा है, देखिए रेड हो चुका है, जो कि अब हमारा एलिमेंट है वो भी चल रहा है और हमारा फ़ैन है वो भी चल रहा है दोस्तों। तो देखिए कितना ईजी था दोस्तों, हमने खोला और हमें पता लग चुका कि इसकी तार में दिक्कत थी, थोड़ा सा चेक करने के बाद तो तार में दिक्कत लगी तो हमने तार को काट के इस पर लगा दिया, जिस कारण अब ये सही तरह चल रहा है। अब इसको फिट कर देंगे जैसे हमने खोला था, स्टेप बाई स्टेप जैसे हमने खोला था इसको वैसे ही फिट करेंगे दोस्तों, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए दोबारा। तो इसको देखिए दोस्तों जो वायर का सिरा है वो नीचे की तरफ रखेंगे मोटर का, ताकि इसमें ये अच्छी तरह तार फिट हो सके और लूजिंग वगैरह कोई ना रहे। तो अब इसके फटाफट नट लगा देते हैं दोस्तों, दो नट है जो कि नटों को लगा लेंगे यहाँ पे, नटों को थोड़ा अच्छी तरह कस के लगाएंगे, ज़्यादा भी नहीं कसना ताकि इसके बॉडी ना टूट जाए, ज़्यादा कसने तो इतना ही कसेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। तो हिसाब से जब कसते हैं तो पता लग ही जाता है दोस्तों हमारा ये नट कितना कस चुका है कितना नहीं कस चुका। तो देखिए अब इसकी तारों को सेटिंग कर लेंगे बिल्कुल ही अच्छी तरह, इसकी फिटिंग करेंगे दोस्तों ताकि तार बीच में आगे कहीं से कटे ना और ब्रेक ना हो और फिर स्पार्किंग ना हो कोई भी। तो इनको तारों को अच्छी तरह फिट करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे जैसे इनको निकाला था वैसे फिट कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये तारे कुछ इस तरह हैं, इसमें दी गई हुई हैं, इनको भी अच्छी तरह फिट कर लेंगे, और ये दो बटन है दोनों को भी अच्छी तरह फिट कर लेंगे। एक चलाने के लिए होता है जो हवा इसकी कम ज़्यादा करने के लिए होता है, एक हीट कम ज़्यादा करने के लिए होता है दोस्तों, दो बटन दिए गए हैं इसमें, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का।
तो हमने इसको भी सेट कर लिया और इस तार को भी यहाँ पे सेट कर लेंगे। और जो इसकी ये ऊपर इसके कवर दिया गया था जिस कारण ये तार सही तरह इसमें रहती है, टूटती नहीं और आराम से घूम फिर सकती है दोस्तों, तो इसको भी हम इस पर लगा लेंगे और तारों को अच्छी तरह यहाँ से देखिए सेट कर लेंगे। बिल्कुल सेट हो चुकी है तारें यहाँ पर। तो अब इसका ये कवर है, कवर ऊपर पीछे जो इसका ढक्कन हमने उतारा था ये वाला, इस पर लगा के अच्छी तरह सेट कर लेंगे। तो देखिए, और जो बीच में इसके ये नीली डिब्बी सी दी गई थी इनको भी इसमें लगा लेंगे दोस्तों, लगा लेते हैं फटाफट। और अब इसको दबा के अच्छी तरह, दबाने के बाद ये बिल्कुल इसके लॉक हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। इनको दबा के थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा दबाने में दोस्तों। देखिए, ऊपर से हमने बंद कर दिया है, अब नीचे से इसको ऐसे दबा लेंगे। देखिए, दबाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके नट रह गए हैं, नटों को लगा लेंगे पीछे। पहले इनकी अच्छी तरह लॉक का जो कि दबाने के बाद ये अच्छी तरह अटैच हो जाएंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बंद हो चुका है, अब इसमें ये नट लगा लेते हैं फटाफट दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जिसने नहीं किया है अभी तक, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। देखिए, हमने चला दिया कपड़ा, कैसे हवा से हिल रहा है, इधर उधर जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई वीडियो लेके लेमिनेशन की या रिपेयरिंग की, तो आपको कुछ नया सिखाएंगे दोस्तों। तो जिसने अभी तक वीडियो ना देखी हो फटाफट देखिए दोस्तों सारी वीडियो को, हमने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखाया हो आपको दोस्तों। कोई चीज़ भी ऐसी है जो आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों, कई चीज़ें नहीं कर सकते लेकिन कई चीज़ें हैं जो आप फ़ोन को, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।